हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीरीज सॉल्यूशन के सेकंड पॉइंट में सिंगुलर पॉइंट के बारे में। ऑर्डिनरी पॉइंट हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, बेसिक्स कुछ वही रहेगा, बस यहाँ पर हम सिंगुलर पॉइंट के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिये गाइज, ये अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशंस होती है, P0x d2y upon dx2 P1x dy dx P2y is equals to 0। यहाँ पर मुझे d2y upon dx2 के कोफिशियंट की जरूरत होती है, जिसको बोला जाता है P0x। तो ये गिवन हो जाएगा, इसमें x बराबर 0 सब्सिट्यूट करेंगे तो P0 0 की वैल्यू 0 के बराबर आनी चाहिए, तभी वो सिंगुलर पॉइंट का क्वेश्चन होता है। क्लियर है गाइस, ये हम बेसिक्स में पढ़ा चुके हैं पहले ही ऑर्डिनरी पॉइंट के वीडियो में। यदि ये सिंगुलर पॉइंट है तो इसका जो सॉल्यूशन है गाइस, वो एज्यूम किया जाता है y इज इक्वल टू, ये जो अंदर वाला पार्ट है गाइस, इसको ध्यान से देखिए, ये वही लिखा हुआ है जो ऑर्डिनरी पॉइंट में था। सिंगुलर पॉइंट में बस इतना चेंजेस आता है, बाहर x की पावर m लिखा होता है। कितना लिखा होता है बाहर? x की पावर m। बाकी अंदर वही सारा डाटा रहता है जो ऑर्डिनरी पॉइंट में होता है, मीन्स a0 a1x a2x स्क्वायर a3x क्यूब एंड सो ऑन। क्लियर यहां तक? चलिए अब हम इसका प्रोसेस देखते हैं। हमने आपको इसमें बताया था कि सिंगुलर पॉइंट में जो सॉल्यूशन है, मींस जो आंसर है, वो सिर्फ और सिर्फ a0 के टर्म्स में निकालना होता है। इसका मतलब ये होता है, यहाँ पर मुझे a1 a2 a3 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a0 कैलकुलेट करनी है। तो ये कैसे आती है, उसके लिए आगे प्रोसेस दिया गया है। जैसा ऑर्डिनरी में था वैसा ही सिंगुलर में है, बट इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस है। वो चेंजेस क्या है वो हम देखते हैं आगे डिस्कस करते हुए। देखिए गाइस, इसमें भी dy by dx निकालना होता है और d2y upon dx2 मींस फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकेंड डेरिवेटिव। नाउ पुटिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, जब ये y dy by dx d2y upon dx2 आ जाता है, तो इन तीनों ही वैल्यू को उठाकर दिए गए क्वेश्चंस में पुट करना होता है, जिसे मैंने बोला इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये अपना क्वेश्चंस दिया गया है। क्लियर है गाइस यहां तक? नाउ इक्वेट द कोफिशियंट ऑफ लोएस्ट पावर ऑफ x टू 0। यहां पर गाइस ध्यान से देखिएगा, ऑर्डिनरी पॉइंट में बस 0 करते जाइए और वैल्यूज आती जाएंगी। सिंगुलर पॉइंट में थोड़ा सा चेंजेस होता है, और वो चेंजेस ये होता है, यहां पर जब हम x की सबसे छोटी पावर, लोएस्ट पावर का मतलब हुआ x की जो सबसे छोटी पावर है, जब हम उसके कोफिशियंट को गाइस 0 के बराबर रखेंगे, तो वी गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ m। तो क्या होता है कि जब आप x के सबसे छोटे वाले पावर वाले टर्म को 0 के बराबर रखेंगे, तो आपको एक इक्वेशन मिलेगी m के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? m के फॉर्म में। इस इक्वेशन को सॉल्व करना होता है, और जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो मुझे m की वैल्यूज मिलती हैं। तो वही लिखा है गाइस, द सीरीज सॉल्यूशन विल डिपेंड ऑन द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये जो m के जो रूट्स आएंगे, उसी पर सीरीज सॉल्यूशन डिपेंड करता है, ऐसा यहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो प्रोसेस क्या है गाइस, ध्यान से देखिएगा, ये सॉल्यूशन माना, dy by dx d2y upon dx2 निकाला, इक्वेशन नंबर 1 में सब्सिट्यूट किया। सब्सिट्यूट करने के बाद जो लोएस्ट पावर वाले टर्म को जब आप 0 के बराबर रखोगे, तो आपको m के फॉर्म में एक इक्वेशन मिलेगी। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और m की रूट्स निकालेंगे, इन्हीं रूट्स के हिसाब से सीरीज सॉल्यूशन डिसाइड होगा कि क्या आना चाहिए। अब वो क्या आएगा, उसके लिए मैंने आपको आगे यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो देखिएगा, इस दो कंडीशंस लिखी हुई है मैंने यहाँ पर। पहली, व्हेन रूट्स आर डिफरेंट एंड डिफर बाई एन नॉट इंटीजर। इसका क्या मतलब है, ये हम आपको नीचे एक्सप्लेन करके दिखा रहे हैं। देखिए क्या लिखा है, व्हेन रूट्स आर डिफरेंट, इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए, एक एग्जांपल मैं दिखा रहा हूं आपको यहाँ पर, मान लीजिए एम की दो वैल्यूज आई, एक 1 और एक 1/2, तो इसको अपन क्या बोलेंगे गाइस, ये डिफरेंट है। तो ये हुआ रूट्स आर डिफरेंट, लेकिन उसके साथ में एक कंडीशन और लगी हुई है गाइस, वो है एंड डिफर बाई एन नॉट इंटीजर। इसका मतलब ये होता है गाइस, ये जो भी दो रूट आ रहे हैं, यदि ये डिफरेंट है तो इनका डिफरेंस लीजिए,
वन माइनस वन बाई टू वैल्यू कितनी आएगी गाइज, वन बाई टू। और ये जो वन बाई टू आया इसे बोला जाता है नॉट इंटीजर। इसका मतलब हुआ इंटीजर का मतलब ये होता है गाइज जीरो वन टू थ्री फोर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, ये इंटीजर वैल्यू कहलाती है। तो ये जो पहला केस है ये कह रहा है कि आपकी वैल्यू डिफरेंट होनी चाहिए, मीन्स अलग अलग होनी चाहिए, और यदि मैं उसका डिफरेंस निकालूं तो वो एक इंटीजर वैल्यू नहीं आनी चाहिए, मतलब वो फ्रैक्शनल फॉर्म में आनी चाहिए, रेशनलाइजेशन रेशनल फॉर्म में लिखी होनी चाहिए, तो वो इस केस को फॉलो करेगा। और यदि ऐसा है तो देखिये मैंने वही दिखाया गाइस, एक वन है एक वन बाई टू है, यदि इसका आप डिफरेंस निकालेंगे तो डाटा आएगा वन बाई टू, जो कि एक इंटीजर वैल्यू नहीं है। यदि ऐसा है तो सॉल्यूशन होता है सी वन वाई एम वन प्लस सी टू वाई एम टू। और मैंने एक दूसरा केस लिखा है व्हेन रूट्स आर इक्वल, मीन्स यदि एम की वैल्यू बराबर हो तो सॉल्यूशन लिखना है सी वन वाई एम वन प्लस सी टू डेल वाई अपॉन डेल एम एम वन। एक और केस होता है लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, उसका क्वेश्चन कभी भी एग्जाम्स में अब नहीं आता है। क्लियर है गाइज? तो ये हुए आपका रूल कि सिंगुलर पॉइंट के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। अब हम स्टार्ट करेंगे कि सिंगुलर पॉइंट के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो उसका एक बेसिक्स का एग्जांपल है जिसको हम आपको दिखा रहे हैं अभी। क्लियर है? थोड़ा पेशेंस रखिएगा गाइस, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी जाएगा बट होगा बहुत आसान। तो देखिए गाइस, मैंने पहला क्वेश्चन लिया सॉल्व बाय सीरीज मेथड, क्वेश्चन में लिखा हुआ है सॉल्व बाय सीरीज मेथड 2x प्लस एक्स क्यूब डी टू बाई अपॉन डी एक्स टू माइनस डी वाई बाई डी एक्स माइनस सिक्स एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। तो मैंने आपको कहा था मुझे डी टू बाई अपॉन डी एक्स टू के कॉफिशियंट की जरूरत होती है, तो यहाँ पर पी जीरो एक्स आएगा 2x प्लस एक्स क्यूब, इसमें पुट करेंगे x बराबर जीरो तो ये आएगा पी जीरो जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस जीरो, पूरे टर्म क्या मिलेगा गाइस जीरो। और यदि पी जीरो 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 है तो हम बोल सकते हैं कि ये कैसा पॉइंट है, सिंगुलर पॉइंट है। अभी देखा आदि ये सिंगुलर पॉइंट है तो हम इसका गाइस सॉल्यूशन क्या मानेंगे, ये लिखा हुआ है और आप सभी को मैं बार बार बता भी चुका हूं, सॉल्यूशन मानेंगे ए जीरो ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वायर ए थ्री एक्स क्यूब और बाहर क्या लिख देंगे एक्स की पावर एम। क्लियर है? अब मुझे निकालना है डीवाई बाई डी एक्स एंड डी टू बाई अपॉन डी एक्स टू, तो उसके लिए मुझे इसे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो मैंने पहले क्या किया गाइस, एक्स की पावर एम को अंदर मल्टीप्लाई किया तो आएगा ए जीरो एक्स की पावर एम ए वन एक्स की पावर एम प्लस वन ए टू एक्स की पावर एम प्लस टू एंड सोन। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो यहां से आएगा पावर बाहर आएगी और एक पावर माइनस हो जाएगी, मीन्स एम एम माइनस वन एम प्लस वन एम एम प्लस टू एम प्लस वन। एक बार और डिफ्रेंशिएट करना है तो एक बार गाइज और डिफ्रेंशिएट कीजिए, अब m माइनस वन बाहर आएगा तो आएगा m माइनस वन तो यहाँ हो जाएगा m माइनस टू, यहाँ m बाहर आएगा तो ये हो जाएगा m माइनस वन, अगले टर्म में m प्लस वन बाहर आएगा तो यहाँ बचेगा m। x की पावर का जो डिफ्रेंशिएशन होता है पावर बाहर आएगी और एक पावर माइनस हो जाएगी, बस वही कंसेप्ट यूज कर रहा हूँ। क्लियर है? अब ये सारी वैल्यू पुटिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, अब ये सारी वैल्यूज को उठाना है मीन्स y डीवाई बाई डी एक्स एंड डी टू बाई अपॉन डी एक्स टू और इसको पुट करना है इक्वेशन नंबर वन में। तो इक्वेशन वन आप देख लीजिए फिर मैं सब्सिट्यूट करता हूँ गाइस, ये लिखी हुई है इक्वेशन नंबर वन 2x प्लस एक्स क्यूब, इसके बाद डी टू बाई अपॉन डी एक्स टू जो आया था वो लिखना होगा, माइनस जो डीवाई बाई डी एक्स है उसको लिखना है, माइनस सिक्स एक्स वाई की जो वैल्यू है उसको लिखना है। तो देखिए गाइस मैंने यहाँ पर सब्सिट्यूट किया है, ये देखिए ये लिखा हुआ है, पहला टर्म मैंने लिखा 2x प्लस एक्स क्यूब और ये पूरा जो डाटा लिखा हुआ है ये गाइस डी टू बाई अपॉन डी एक्स टू की वैल्यूज है तो उठाकर आप लिख दीजिएगा, फिर माइनस डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू लिख दीजिएगा, माइनस सिक्स एक्स ये वाई की वैल्यू है, ए जीरो एक्स की पावर एम ए वन एक्स की पावर एम प्लस वन ए टू एक्स की पावर एम प्लस टू एंड सो ऑन इक्वल्स टू जीरो। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट करने का मतलब ये 2x है तो x का अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स क्यूब है तो x क्यूब का मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस सिक्स एक्स है तो x का कहिए माइनस सिक्स को बाहर रखिए। तो देखिए गाइस मैंने नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई किया है, आप देखिए 2x तो 2 बाहर रहेगा, x को यदि मैं अंदर भेजूंगा तो एक एक पावर इंक्रीज हो जाएगी तो एम माइनस टू से एम माइनस वन एम माइनस वन से एम अगला टर्म आएगा एम प्लस वन एंड सोन। वो मैंने लिखा नहीं है बट मैंने क्यों नहीं लिखा उसको मैं भी बताऊंगा आपको। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट टर्म एक्स क्यूब का जब मल्टीप्लाई होगा तो एक्स में तीन तीन पावर इंक्रीज होंगी तो इसमें अगर तीन पावर ऐड करेंगे तो ये आएगा एम प्लस वन, प्लस थ्री करिए यहाँ तो कितना आएगा प्लस थ्री माइनस टू प्लस वन तो ये बनेगा गाइस एम प्लस वन, ये बनेगा एम प्लस टू, अगला होगा एम प्लस थ्री एंड सोन। माइनस एम ए जीरो एक्स की पावर एम माइनस वन ये जो सीरीज है इसको एज इट इज लिखा मैंने,
माइनस सिक्स एक्स है तो माइनस सिक्स बाहर लिखा, x को अंदर भेजिए तो ये m प्लस वन, एम प्लस टू, एम प्लस थ्री, ये देखिएगा यहां तक आ गया, क्लियर है ये, m प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। अब अपना जो अगला टारगेट था वो ये था कि अपन को जो x की सबसे छोटी वाला पावर वाला टर्म है उसको जीरो के बराबर रखना है, तो वहां से मुझे m के फॉर्म में एक इक्वेशन मिलेगी, बेसिक्स इसका यही कहता है। तो अब इसमें अपन को ये देखना है m की सबसे छोटी पावर वाला कोएफिशिएंट क्या है। तो देखिए पहली सीरीज में x की पावर है m माइनस वन, इस सीरीज में है m प्लस वन, इस सीरीज में है m माइनस वन, इसमें है m प्लस वन, तो इन चारों सीरीज का जो पहला टर्म है इसमें सबसे छोटी पावर क्या है, x की पावर m माइनस वन। तो हम सबसे पहले x की पावर m माइनस वन के कोएफिशिएंट को किसके बराबर रखेंगे गाइस, जीरो के बराबर रखिए, जीरो के बराबर। तो यहां से कितना आएगा, टू एम एम माइनस वन ए जीरो, आया टू एम एम माइनस वन ए जीरो, इसमें तो एम प्लस वन से शुरू हो रहा है तो एम माइनस वन होगा ही नहीं, एम माइनस वन तो कितना है एम ए जीरो, बाहर कितना है माइनस, तो आया माइनस एम ए जीरो इज इक्वल टू जीरो। अब यहां से ए जीरो और ए जीरो कॉमन ले लीजिए, तो यदि मैंने ए जीरो और ए जीरो यदि कॉमन लिया तो बचेगा कितना गाइस, ये देखिए 2m का गुणा कीजिए, 2m स्क्वायर माइनस 2m, यहां से माइनस m, a0 कॉमन आ गया, इज इक्वल टू जीरो, 2m स्क्वायर माइनस 3m, ये a0 बाहर है, m यहां से कॉमन लीजिए तो आएगा m, 2m माइनस 3 a0 इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से गाइस दो वैल्यू निकल कर आएंगी, एक m बराबर जीरो, एक 2m माइनस 3 बराबर जीरो। तो यहां से अगर मैं m निकालूंगा तो 3 इधर जाएगा, 2 डिवाइड होगा तो आएगा 3 बाई 2। तो देखिए गाइस m की दो वैल्यूज आई, एक जीरो और एक 3/2, क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब देखिए ये दोनों डिफरेंट हैं, कैसी हैं गाइस, डिफरेंट हैं, और यदि इनका डिफरेंस भी लिया जाए तो आएगा 3/2, जो कि इंटीजर वैल्यू नहीं है, इंटीजर का मतलब होता है 1 2 3 4 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 एंड सो ऑन, क्लियर है। तो ये कौन सी कंडीशन पे जाएगा, ये रूट्स आर डिफरेंट एंड डिफर बाई एन नॉट इंटीजर। तो देखिए गाइस नेक्स्ट अपना ये है, इसके आगे का ये लिखा हुआ है, रूट्स अपने कैसा आया, जीरो एंड 3/2, अपन ने लिखा हियर रूट्स आर डिफरेंट एंड डिफर बाय एन नॉट इंटीजर। यदि ऐसा है तो मैंने आपको वहां पर समझाया है, इसका सॉल्यूशन होगा y इज इक्वल टू सी वन बाई एम वन प्लस सी टू वाई एम टू, और इसी को बोलेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड, क्लियर है गाइस। अब इसके बाद जैसे ही ये पहला टर्म जीरो किया जाता है वहां से m की इक्वेशन को सॉल्व करके जिस तरीके के रूट आते हैं उसके हिसाब से ये सॉल्यूशन लिख दिया जाता है। अब हम इसके आगे के टर्म्स को जीरो के बराबर सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसके बाद a1 a2 a3 की वैल्यू a0 के टर्म्स में निकालेंगे। तो मैंने वही लिखा है गाइस, नाउ इक्वेटिंग टू द नेक्स्ट टर्म इज इक्वल टू जीरो। तो अभी मैंने कौन सा किया था, x की पावर m माइनस वन, तो अब क्या होगा, x की पावर m। तो देखिए गाइस मैं दिखा रहा हूं आपको x की पावर m के कोएफिशिएंट क्या क्या मिलेंगे अपन को, देखिए गाइस यहां पर ये लिखा हुआ है x की पावर m देखना है, तो x की पावर m यहां पर है, कोएफिशिएंट क्या है m प्लस वन एम ए वन, बाहर कितना है 2, तो अपना आएगा 2 एम प्लस वन एम ए वन। आप अपनी कॉपी पे लिखते जाइए, मैं आराम आराम से बोल रहा हूं, आप लिखते जाइए फिर मैं वहां पर दिखाता हूं। देखिए 2 एम प्लस वन एम ए वन, ये इस सीरीज से आया, नेक्स्ट सीरीज में देखिए x की पावर m है ही नहीं इसमें, तो इससे तो आएगा ही नहीं, इसमें देखिए यस ये है, तो इसमें क्या है m प्लस वन ए वन, बाहर क्या लगा हुआ है माइनस, तो अगला टर्म आएगा गाइस माइनस m प्लस वन ए वन, क्लियर। इसमें तो m प्लस वन से स्टार्ट हो रहा है तो x की पावर m होगा ही नहीं, तो सिर्फ दो टर्म आएंगे, एक ये और एक ये। तो देखिए गाइस वही लिखा हुआ है यहां पर, 2 एम प्लस वन एम ए वन माइनस एम प्लस वन ए वन इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए गाइस दोनों से ए वन और ए वन कॉमन आ सकता है, ए वन और ए वन कॉमन आ सकता है, मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर कितना बचेगा, ये इक्वल टू में क्या आएगा जीरो। अब ए वन के साथ जो भी लिखा है इसको राइट हैंड साइड में डिवाइड कर दीजिए, तो जीरो डिवाइडेड बाई एनीथिंग वैल्यूज हमेशा क्या मिलेगी जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि ए वन क्या आया जीरो, क्लियर। अब मेरा जो अगला टर्म होगा वो होगा x की पावर m हो चुका है, तो नेक्स्ट क्या आएगा x की पावर m प्लस वन। तो अब देखिएगा इस x की पावर m प्लस वन में मैं एक बार फिर से दिखा देता हूं और उसके बाद मैं डायरेक्ट लिखूंगा, फिर आप वहां पर चेक करते रहिएगा। अब जो मैं यहां एक्चुअली समझाना चाह रहा था उसको ध्यान से देखिएगा, इस सीरीज में x की पावर m प्लस वन दिख रहा है क्या, नहीं,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस सीरीज में एम प्लस वन का टर्म नहीं है, हर एक वो टर्म है क्योंकि यहां पर क्या लगा हुआ है डैश डैश डैश, इसका मतलब इसके आगे भी बहुत सारे टर्म हैं। यदि एम माइनस वन है, एम है तो अगला एम प्लस वन होगा। अब यदि मुझे उसका कॉफिशियंट चाहिए तो कैसे निकालते हैं गाइस, देखिए यही समझाने के लिए मैंने इसका ये वाला टर्म नहीं लिखा था। तो इसका सिक्वेंस सेट करते हैं, क्या लिखा है एम, अगला क्या है एम प्लस वन, तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए एम प्लस टू, जिसका अगला कॉफिशियंट टर्म आएगा एम प्लस टू, देन एम माइनस वन, एम देखिए एम माइनस वन में एक इंक्रीज हुआ तो एम माइनस वन के बाद क्या हुआ एम, तो अगले में एक और एड करिए तो कितना आएगा एम प्लस वन, ये ए जीरो है, ये ए वन है, तो अगला क्या होना चाहिए ए टू, तो जो नेक्स्ट टर्म है वो आएगा एम प्लस टू एम प्लस वन ए टू और एक्स की पावर एम प्लस वन, और बाहर कितना लिखा है टू, क्लियर है ये आप लिख लीजिए, मैं सब एक साथ दिखाऊंगा। वहां यहां एम प्लस वन का कितना है एम एम माइनस वन ए जीरो, यहां पर एम प्लस वन का कितना है एम प्लस टू ए टू, यहां पर एम प्लस वन का कितना है ए जीरो, बाहर कितना लगा है माइनस सिक्स, तो ये आएगा माइनस सिक्स ए जीरो। अब मैं ये सारे टर्म यहां पर दिखा रहा हूं, देखिएगा टू एम प्लस टू एम प्लस वन ए टू एम एम माइनस वन ए जीरो एम प्लस टू ए टू माइनस सिक्स ए जीरो इज इक्वल टू जीरो। अब यहां पर अपन को करना है इसे कैलकुलेट, तो कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है गाइस, जो ए जीरो वाले टर्म्स हैं इनको राइट हैंड साइड ले जाइए और जो ए टू वाले टर्म्स हैं इनको लेफ्ट हैंड साइड में कॉमन लीजिए। तो अगर मैं यहां से ए टू और ए टू कॉमन ले लू, सॉरी ये दोनों ही टर्म कॉमन आएंगे गाइस, देखिए एम प्लस टू और ए टू ये दोनों यहां पर है और यही सेम टर्म यहां पर भी है एम प्लस टू और ए टू, तो ये एक साथ ही कॉमन आ सकते हैं। तो एम प्लस टू ए टू यदि मैं कॉमन ले लू तो यहां से बचेगा 2m प्लस टू, टू का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2m प्लस टू और यहां से आएगा माइनस वन, और यहां पर देखिए ये इक्वल्स टू के इधर जाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस, यहां से बचेगा m m माइनस वन मतलब m स्क्वायर माइनस m और यहां से आएगा माइनस सिक्स, क्लियर है यहां तक। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए गाइस, तो ये आएगा m प्लस टू, ये 2m 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा 2m प्लस वन, ए टू इज इक्वल टू माइनस ए जीरो, इसके फैक्टर कर दीजिए माइनस थ्री प्लस टू एम माइनस सिक्स, और इस साइड का पार्ट कैलकुलेट करिए तो फैक्टर करने के बाद आएगा गाइस एम माइनस थ्री एंड एम माइनस टू। अब ये देखिए एम प्लस टू जो आया ये एम प्लस टू से कैंसिल हो जाएगा, होगा यानी तो ए टू की जो वैल्यू आएगी वो आएगी गाइज माइनस ए जीरो एम माइनस थ्री और टू एम प्लस वन नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, होगा यानी होगा। तो अपना ये आ गया माइनस ए जीरो माइनस ए जीरो एम माइनस थ्री अपॉन टू एम प्लस वन, क्लियर है यहां तक। अब इसके बाद आप नेक्स्ट टर्म को जीरो के बराबर कीजिएगा, नेक्स्ट टर्म बोले तो एक्स की पावर एम प्लस टू, अगला कॉफिशियंट क्या होगा एक्स की पावर एम प्लस टू, तो जब एम प्लस टू के आप कॉफिशियंट चेक कीजिएगा वहां पर गाइस ये कॉफिशियंट आ जाएंगे। अब इसमें आप ए वन वाले टर्म्स को एक साथ ले जाइए और ए थ्री वाले टर्म्स को एक साथ रखिए, रखने के बाद आप ध्यान से देखिए गाइस ए थ्री के इक्वल्स टू में क्या आ रहा है ए वन, और आप अभी देखिएगा ए वन की वैल्यू जीरो थी प्रीवियस में, आप देखिए ए वन की वैल्यू कितनी आई थी जीरो, यदि आप यहां जीरो रखोगे तो ये पूरा टर्म क्या मिलेगा गाइस जीरो, और यदि ये पूरा जीरो है तो किसी भी चीज से डिवाइड कीजिएगा वैल्यू हमेशा क्या आएगी जीरो, तो ए थ्री भी कितना आ गया जीरो, क्लियर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सीरीज चल रही है इसमें जो ऑड टर्म है मतलब ए वन ए थ्री अगला ए फाइव फिर ए सेवन ये सब जीरो मिलेंगे। अब ए टू के बाद हमने निकाला ए फोर, ए थ्री जीरो आया तो अब क्या निकालेंगे ए फोर, तो यहां पर अगर एम प्लस टू है तो अगला टर्म क्या होना चाहिए अब एम प्लस थ्री, इसका मतलब है अब मुझे इक्वेट करना पड़ेगा एक्स की पावर एम प्लस थ्री के कॉफिशियंट को, तो देखिएगा इस एम प्लस थ्री का जो कॉफिशियंट है वो ये लिखा है टू एम प्लस फोर एम प्लस थ्री ए फोर प्लस एम प्लस टू एम प्लस वन ए टू माइनस एम प्लस फोर ए फोर माइनस सिक्स ए टू इज इक्वल टू जीरो। ए टू वाले टर्म्स को राइट हैंड साइड ले जाइए, ए फोर वाले टर्म्स को कॉमन ले लीजिए, तो आएगा टू एम प्लस फोर एम प्लस थ्री माइनस एम प्लस फोर ए फोर, इसको कैलकुलेट कीजिएगा इस एम प्लस फोर कॉमन आ जाएगा यहां पर, तो एम प्लस फोर अपन ने कॉमन लिया टू का मल्टीप्लाई कीजिए तो यह आएगा टू एम प्लस सिक्स माइनस वन ए फोर इज इक्वल्स टू, इनका मल्टीप्लाई करिएगा ये जो दो ब्रैकेट है इनका आपस में मल्टीप्लाई करिए, कैलकुलेट कीजिए रिजल्ट आना चाहिए एम स्क्वायर थ्री एम माइनस फोर, इसके फैक्टर कर लीजिएगा गाइस बहुत सिंपल है प्लस फोर एम माइनस एम करके लिख दीजिएगा तो ये आएगा एम माइनस वन एम प्लस फोर। अब यहां पर ध्यान से देखिए गाइस एम प्लस फोर इस एम प्लस फोर से कैंसिल हो जाएगा तो ए फोर की वैल्यू आएगी माइनस ए टू एम माइनस वन टू एम प्लस
5। अब देखिए गाइज, अपन को सिंगुलर पॉइंट में जो आंसर लाना होता है वो लाना होता है सिर्फ और सिर्फ ए जीरो के टर्म्स में। किसमें लाना होता है गाइज? ए जीरो के टर्म्स में। बट यहां पर किसके टर्म्स में आ रहा है? ए टू के टर्म्स में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी ए टू की वैल्यू है उसको सब्सिट्यूट करिए। तो देखिए गाइज, ए टू अभी अभी मैंने ऊपर निकाला था, ये लिखा है माइनस ए जीरो एम माइनस थ्री अपॉन टू एम प्लस वन। तो इसको उठाइए और यहाँ पर सब्सिट्यूट कीजिए। तो देखिए गाइज, ये माइनस एम माइनस वन टू एम प्लस फाइव ये लिखा हुआ है और ए टू की वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखी है माइनस ए जीरो एम माइनस थ्री अपॉन टू एम प्लस वन। क्लियर है यहाँ तक? अब ये सारी वैल्यूओं को मल्टीप्लाई करके तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। क्लियर है? और एम माइनस थ्री एम माइनस वन टू एम प्लस फाइव टू एम प्लस वन इंटू ए जीरो। देखिए गाइज, मैंने यहाँ ये सिक्वेंस करके इसको लिखा हुआ है, ये देखिए ए फोर इज इक्वल टू माइनस वन का क्यूब एम माइनस थ्री एम माइनस वन टू एम प्लस वन टू एम प्लस फाइव इंटू ए जीरो। क्लियर है? सॉरी, ये क्यूब नहीं, स्क्वायर होगा यहाँ पर, स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ये देखिए एक माइनस दो माइनस, तो क्या आएगा? माइनस वन का स्क्वायर। क्लियर है? ये गाइज अपना आ गया ए फोर। ठीक है, अब ये सारी वैल्यू उठाना है और इक्वेशन नंबर टू में पुट करना है जो अपन ने इसका सॉल्यूशन एज्यूम किया था। इक्वेशन नंबर टू का मतलब क्या हुआ गाइज? जो स्टार्टिंग में अपन ने जब क्वेश्चन को सॉल्व किया था तो अपन ने वहां पर सॉल्यूशन एज्यूम किया था। सॉल्यूशन क्या एज्यूम किया था? ये देखिए गाइज, इक्वेशन नंबर टू, x की पावर एम ए जीरो ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वायर ए थ्री एक्स क्यूब एंड सो। और इसी के लिए मैंने इसको ऊपर भी लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है x की पावर एम ए जीरो ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वायर ए थ्री एक्स क्यूब प्लस एंड सो। इसमें अपन ए जीरो तो ऐसा ही रहेगा, ए वन की वैल्यू जीरो है तो ये टर्म आएगा ही नहीं, ए टू की वैल्यू यहां पर रखी जाएगी, ए थ्री भी नहीं आएगा क्योंकि ये जीरो है, तो अगला टर्म क्या होगा गाइस? ए फोर, वो आएगा ए फोर एक्स की पावर फोर। तो देखिए ये लिखा हुआ है गाइस, एक्स की पावर एम ए जीरो ए वन आएगा नहीं ए टू आएगा, मीन्स एक्स स्क्वायर का आएगा, तो ए टू की वैल्यू लिखी है एक्स स्क्वायर। ए थ्री आएगा नहीं, ए फोर में क्या आएगा? एक्स की पावर फोर। तो ये एक्स की पावर फोर का मतलब ए फोर का कोएफिशिएंट लिखा हुआ है। अब इसमें क्या करना होता है गाइस, जो दो वैल्यूज आई थी एम की वैल्यूज क्या क्या आई थी? एक जीरो आई थी और एक थ्री बाई टू। आप याद कीजिए, एम की दो वैल्यूज थी, एक एम बराबर जीरो और एक एम बराबर थ्री बाई टू। तो जो अपन ने सॉल्यूशन एज्यूम किया था गाइस, y1 c1 ym1 एंड c2 ym2, ये देखिए ये दो वैल्यूज आई थी अपनी 0 एंड 3 बाई टू। तो सॉल्यूशन क्या माना था? c1 by m1 c2 by m2। ये कैसे आता है? ये गाइस जो अपना y बराबर आया, जैसे y बराबर क्या आया अपना, ये लिखा हुआ है आ गया। अब हम इस y बराबर जो भी मेरा रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट में m की एक एक वैल्यू रखेंगे। मान लीजिए मैंने 0 को m1 मान लिया, क्या मान लिया? M1 बराबर 0 और M2 बराबर 3 बाई टू। तो यदि मैं इस y की इक्वेशन में M बराबर 0 रखूंगा तो ये बन जाएगी YM1। क्या बन जाएगी? YM1। जब हम इस y की इक्वेशन में 3 बाई टू रखेंगे तो ये बन जाएगी गाइज YM2। क्या बन जाएगी? YM2। तो मुझे यहां पर क्या चाहिए था? YM1 और YM2। तो एक बार हम इस y की इक्वेशन में 0 रखेंगे तो वो YM1 कहलाएगा, एक बार इस y की इक्वेशन में हम 3 बाई टू रखेंगे तो वो YM2 कहलाएगा। क्लियर है? चलिए सब्सिट्यूट कीजिए गाइस। जब मैंने इसमें एम बराबर जीरो रखा तो ये आएगा एक्स की पावर जीरो। देखिए ए जीरो सबसे कॉमन है गाइस, ये ए जीरो ये ए जीरो ये ए जीरो हर टर्म में है तो ये बाहर आ सकता है, मैंने बाहर लिख लिया। एक्स की पावर जीरो इधर आएगा वन, ये बाहर चला गया। वन माइनस थ्री कितना आएगा? सॉरी, जीरो माइनस थ्री कितना आएगा? माइनस थ्री। यहाँ जीरो रखेंगे तो कितना बचेगा? वन, ये आएगा एक्स स्क्वायर। जीरो माइनस थ्री मतलब माइनस थ्री, जीरो माइनस वन मतलब माइनस वन, जीरो प्लस वन मतलब वन, जीरो प्लस फाइव मतलब फाइव, एक्स की पावर फोर और एंड सो ऑन। तो ये फाइनली कितना बनेगा गाइज? ए जीरो वन माइनस माइनस प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस थ्री बाई फाइव एक्स की पावर फोर एंड सो ऑन। ये मिल गया वाई एम वन। अब हम इसी वाई में एम बराबर कितना रख देंगे? थ्री बाई टू। तो आप लोग गाइज इसमें एम इक्वल टू थ्री बाई टू रखिएगा और इसके ये टर्म्स कैलकुलेट कीजिएगा, आपका रिजल्ट आएगा एम बराबर थ्री बाई टू पे ए जीरो एक्स की पावर थ्री बाई टू, वन प्लस थ्री बाई एट एक्स स्क्वायर माइनस थ्री बाई वन ट्वेंटी एट एक्स की पावर फोर एंड सो ऑन। क्लियर है? अब ये जो वाई एम वन था वाई एम टू था, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर दीजिए। इक्वेशन नंबर थर्ड का मतलब हुआ सी वन वाई एम वन प्लस सी टू वाई एम टू। ये जो लिखा हुआ था इसमें वाई एम वन और वाई एम टू की वैल्यू सब्सिट्यूट कर दीजिए, वही अपना फाइनल आंसर आएगा। तो देखिए गाइज, ये लिखा हुआ है पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन थर्ड,
y इज इक्वल्स टू सी वन वाईएम वन का जो वैल्यूज था वो ये लिखा हुआ है, सी टू वाईएम टू की जो वैल्यू है वो ये लिखी हुई है। यही अपने दिए गए क्वेश्चन का आंसर आएगा। क्लियर है? तो ये था गाइस सिंगुलर पॉइंट, थोड़ा सा लेंदी होता है, ऑर्डिनरी पॉइंट के कंपैरिजन में एग्जाम्स में बहुत कम आता है, बट फिर भी आजकल ये ट्रेंड में है और ये आता रहता है, इस वजह से आपको पता होना बहुत जरूरी है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो, वन इंटीग्रल इज नोन, रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव एंड चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।